कहाँ से आना हुआ? जैन सर, भैया जी आपसे मिलने आए हैं और सभी से एक प्रश्न करने आए हैं। बिल्कुल, आप प्रश्न करिए, प्रश्न समाज के सामने जरूर रखना चाहिए और आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम पूर्व सूबेदार बीके पांडे है, कारगिल युद्ध विजेता। मैं आपका स्वागत करता हूं, अंदर आइए, अंदर आइए। कारगिल युद्ध से हैं, कारगिल से युद्ध से आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तमाम सारे लोग जो यहां पे मौजूद हैं, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। मैं आपको स्वागत करता हूं, थैंक यू सो मच। जी सूबेदार बोलिए। सर, हम तो सेना में 17-18 साल में चले जाते हैं, हमें नहीं पता, हम जब आते हैं सिविल में तब पता चलता है कि इस तरह से लड़ते हैं लोग, बड़ा दुख होता है। इन्हीं के लिए हम वहाँ लड़ते हैं, इनके लिए हम वहाँ लड़ते हैं, पर अंदर आते हैं तो बहुत दिल की आत्मा मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये हमारे हैं ना, हमने हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई ना कोई धर्म ना कोई जाति, हमारा एक ही धर्म होता है राष्ट्र सेवा और राष्ट्र धर्म। पर जब सिविल में आते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं 2020 में आया था, तब से समाज की सेवा कर रहा हूँ और अपने बलबूते कर रहा हूँ। एक पेंशन है मेरी लिमिट पर, मैं यहाँ आज आया हूँ प्रयागराज से अपने पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए। और आपके माध्यम से मैं सारे पैनल से जो भी नेता हैं, मुझे नहीं पता कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है, पर मैं सबसे एक आग्रह करूँगा कि देखिए, सैनिक राष्ट्र का सम्मान होता है और आज राष्ट्र का सम्मान सड़कों पर खड़ा है, जंतर मंतर पर धरना दे रहा। हमारा कोई 87 दिन हो गया पर हमने कोई कहीं हल्ला नहीं किया, बहुत शांतिप्रिय ढंग से एक मांग रख रहे हैं कि अगर एक अधिकारी की उंगली कटती है तो उसको लाखों दिया जाता है और एक जवान की उंगली कटती है तो उसको 1000-10000 में निपटा दिया जाता है। एक अधिकारी 15,500 रुपये का जोखिम भत्ता लेते हैं और एक जवान 5,200 रुपये का जोखिम भत्ता लेता है, जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ता है, जो सबसे आगे फ्रंट में लड़ता है उसको सबसे कम जोखिम है, और जो सबसे पीछे बैठता है, मुझे अधिकारियों से कोई परहेज नहीं है, मेरे लिए वो सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा अनुशासन में रहें। हमारे लिए जो भी सीनियर हैं, चाहे वो नेता हो, मैं आपकी बात से आपकी बात सुनी, समाज ने आपकी बात सुनी, आप उधर नहीं जाएंगे, आप उधर जाएंगे, आप वहां बैठिए जी। समाज में सम्मान होना चाहिए। पूर्व सैनिक हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हुए थे, करगिल का युद्ध लड़ा है, बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपनी बात रखी। हम आपके साथ आपके आपकी मांग को सुन तो सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, फैसला तो सरकार करती है, लेकिन हम आपके साथ हैं जी। मैंने बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके साथ सम्मान होना चाहिए। हाँ, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम तौसीफ हमदानी है। तौसीफ हमदानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जम्मू कश्मीर की वादियों से आए हैं, एक अच्छी सी हवा लेके हमारे पास, यहाँ तो बड़ी उमस है, वहाँ से आए होंगे, कुछ बात कहना चाहते हैं, कहिए। बिल्कुल, भैया जी के प्रोग्राम है तो थैंक यू सो मच। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू। मेरा एक जो भी सियासी कर्मचारी है यहाँ पे, जिस भी पार्टी से है, मेरा रुको, News 18। मेरा एक अनुरोध है, बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करूंगा, जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से इलेक्शन के बगैर है, हमें हक दीजिए अपने वोट देने का। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी जो भी यहाँ की जो सरकार है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त पिछले 5 साल से 5 अगस्त के बाद इलेक्शन के बगैर है, हमें वोट देने का हक दीजिए, ये हमारा जमहूरी हक है। नहीं नहीं, जमहूरी हक है और मैं आपके इस जमहूरी हक के 700% खड़ा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जरूर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। जी हाँ जी, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। अरे जब चुनाव हो जाए तो कहाँ पत्थरबाजी होगी यार, आप लोग आप हमेशा सशंकित रहते हैं, आप हमेशा अरे जब अपनी सरकार होगी, अपने लोग चुनेंगे तो काहे का पत्थरबाजी होगी। प्रोसीजर होता है, ऐसे थोड़ी ना मैं कुछ कह दूं तो गवर्नमेंट मान जाएगी क्या? अरे उसका भी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करना, कितनी वहां गड़बड़ हुई हुई थी उसको ठीक किया ना 5 साल में मोदी सरकार ने। ये इलेक्शन भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धैर्य रखिएगा, वहां शांति होने दीजिए। अभी G20 की मीटिंग हो रही है ना, कितनी अच्छी बात है, इसके बाद इलेक्शन भी होगा, अब थोड़ा धैर्य तो रखे ना कम से कम। यही तो नहीं है बस।